आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई एग्जाम को लेकर। देखिए महेंद्र पांडे आपको खुद बताएंगे कि आपकी परीक्षा यहाँ पर कब हो सकती है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपकी परीक्षा कब होगी, आपकी पढ़ाई कैसे करना है, सब कुछ इसमें महेंद्र पांडे खुद अपने शब्दों में बताए हैं लगातार। और अब अगले सत्र में हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, अब उनका हम रुख करेंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशल विकास मंत्री हैं आप। 1973 से लगातार भारत की राजनीति में सक्रिय, 40 साल से ज्यादा का उनका अनुभव राजनीति का। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का सूबा है, वहां पर बीजेपी के वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक के ई एजेंडा के इस मंच पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि कोरोना का ये एक ऐसा संक्रमण काल चल रहा है जहां पर चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, लेकिन कहा जाता है जहां पर चैलेंजेस होते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी अवसर भी उतने ही पैदा होते हैं। और आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है युवाओं को स्किल करके, आप उनके कौशल उनके हुनर को और ज्यादा निखार के भारत में महत्वपूर्ण योगदान। अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर, अब चूंकि आपके सामने चुनौती है, एक तरफ आप लोगों को ट्रेन किया जाए और दूसरी तरफ ट्रेन युवाओं को आप दूसरे अलग मंत्रालयों में लगा रहे हैं, जब एक ऐसे दौर में जब पढ़ाई लिखाई के लिए हम देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए, जूम के जरिए, दूसरे तमाम ऐप के जरिए पढ़ाइयां अलग अलग हिस्सों में करवाई जा रही हैं, आप क्या इसके जरिए आप भी अलग अलग हिस्सों में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहां पर किस तरह की चुनौती आपके सामने पेश आ रही है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए हमें। नहीं चित्रा जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेटअप हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे 20 लाख से अधिक आईटीआई के विद्यार्थी हैं, हमने उनको ऑनलाइन कोर्सेज के भी, हमारे पास नीमी है, भारत स्किल ऐप है, भारत स्किल पोर्टल है, इसके माध्यम से और अभी 8 लाख से अधिक युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन कोर्सेज से उनको पढ़ाई दी है। और इसके साथ साथ हम स्किल की ट्रेनिंग का भी eskillindia.org पर, हम स्किल इंडिया के का भी एक पोर्टल जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का शुरू कर दिए हैं, उस पर काम चल रहा है और लोग उस पर भी ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं, आप इसको चाहे जानकारी कर सकती हैं। तो ये सारी चीजों पर हम इसमें अनेक जो शैक्षणिक और ये हमारे ट्रेनिंग के जी। उन पाठ्यक्रमों को छोड़ के, उन ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को छोड़ करके, उन जॉब रोल्स की ट्रेनिंग जिसमें प्रत्यक्ष ट्रेनिंग की जरूरत, हाथ से हाथ की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, उतना आइटम छोड़ के शेष सारे एकेडमिक ट्रेनिंग हम ऑनलाइन देने का काम शुरू कर दिए हैं। फ्री में है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना वाले है दिनों में। और साथ में हमने, हाँ फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है, सारे एनएसटीआई आईटीआई को हम लोग। और इसके बाद हमने अपनी परीक्षाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया अगस्त तक का, कि असेसमेंट और उनके जो ट्रेनिंग के बच्चे हमारे बचे रह गए थे उनको अगस्त तक उनकी कोर्सेज पूरे हो जाए, इसका हमने आदेश कर दिया है। और उनका असेसमेंट भी सितंबर में होगा, इसके भी आदेश कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी परिस्थितियां होंगी उन अनुसार निर्णय लेते जाएंगे। किसी को भी उसके समय जो उत्पन्न हो गया, थोड़ी कठिनाई है, सब उतने का जो नुकसान कमी हुआ है, हुआ बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, कौशल विकास मंत्री देश के, आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। एक बात